और चलिए अगली खबर की तरफ हम रुख कर रहे हैं। अगली खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में जल्द यूसीसी लागू होगा। समिति ने सीएम को नियमावली का ड्राफ्ट भी सौंप दिया है। कैबिनेट में नियमावली का ड्राफ्ट जो है लाया जाएगा, संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए रास्ता साफ है। कमेटी ने सीएम धामी को नियमावली का ड्राफ्ट सौंप दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बाबत कहा, राज्य में जल्द ही समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होने जा रही है। शुक्रवार को विशेषज्ञ समिति ने यूसीसी नियमावली का ड्राफ्ट भी मुख्यमंत्री को सौंपा और इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ये कदम सभी को समान न्याय और अवसर देने के लिए उठाया जा रहा है। तो उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की कवायद तेज कर दी है। रास्ता साफ हो गया है। कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। यूसीसी नियम एवं क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष भी, जिन्होंने मुख्यमंत्री धामी को अंतिम रिपोर्ट सौंपी, और सीएम धामी ने भी कहा कि समान नागरिक संहिता की नियमावली तैयार होगी और शीघ्र ही इसे लागू किया जाएगा। यूसीसी जिसको लेकर सियासत भी तेज हुई और तमाम वो आपने देखा कि उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर किस तरह से बवाल हुआ था, लेकिन अब रास्ता साफ। सोनू हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर पर हम उनसे जानकारी लेंगे। यूसीसी लागू होने के लिए रास्ता साफ हो गया है और बताया जा रहा है कमेटी ने जो अंतिम रिपोर्ट है वो भी नियमावली का ड्राफ्ट जो है वो भी सौंप दिया है। देखिए, अब जो फाइनल नियमावली का ड्राफ्ट है वो मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया है। अब सरकार इसका विधि परीक्षण कराएगी और साथ ही साथ आने वाले समय में, अभी जैसे ही उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक होगी, कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी और उसके बाद कैबिनेट अपनी इसको मंजूरी प्रदान कर देगी और उसके बाद फिर जो ट्रेनिंग है अधिकारियों की कर्मचारियों की, वो ट्रेनिंग का शेड्यूल भी तय किया जाएगा और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आखिर पहले से ही जिस बात को मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंचों से बयां कर रहे हैं पारुल, जो राज्य का स्थापना दिवस है 9 नवंबर को, उस तिथि को इसको लागू किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार ने एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाया है। शुरुआत की थी जब राज्य में 2022 में उत्तराखंड की सरकार का गठन हो रहा था, उस वक्त प्रदेश के जनमानस को उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री जब शपथ ले रहे थे तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि वो यूसीसी लाएंगे। फिर इसका ड्राफ्ट बनाने के लिए एक रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, विशेषज्ञ समिति, और समिति के गठन होते ही समिति ने अपना कार्य शुरू किया। फिर इसका प्रारूप तैयार किया गया। फिर जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे फिर इसको विधानसभा के विधेयक के तौर पर विधानसभा के सदन के पटल पर रखा गया। विधानसभा से पारित करने के बाद इसको राष्ट्रपति को राज्यपाल के माध्यम से भेजा गया। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद इसको इसका जो है फिर फाइनल स्वरूप, अब जो नियमावली है जिसको धरातल पर उतारा जाना है, उसका फाइनल स्वरूप तैयार कर लिया गया और अब इस ड्राफ्ट को भी मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया। अब इसके जो और व्यवहारिक और शासकीय जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने के बाद इसको हम धरातल पर लागू होता हुआ देख पाएंगे। बिल्कुल, यानी माना जाए अब नियमावली सामने आ गई है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, अब हम उत्तराखंड में यूसीसी लागू होता हुआ देखेंगे और यहाँ से बाकी राज्यों के लिए भी एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जा सकता है या फिर एक डेमो के तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं। उसके बाद हम बाकी स्टेट्स में भी इसका रुख देखेंगे, क्योंकि पहले से ही केंद्र की तरफ से भी इसको लेकर सिग्नल्स मिलते रहे हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स की तरफ से। देखिए, तमाम विशेषज्ञों ने इसके जो कई बिंदु हैं उन पर फोकस किया है और जब तक इसका फाइनल ड्राफ्ट नहीं बना था, यानी सदन में नहीं आया था उत्तराखंड के, तो उस वक्त पारुल तमाम तरह की सियासत भी हो रही थी। चूंकि अब इस पर काफी काम हो गया है, पब्लिक डोमेन में आ गया और ऐप पर एक आम साधारण व्यक्ति भी इसको देख सकेगा, पढ़ सकेगा, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये अन्य राज्यों के लिए एक प्रेरणा बनने वाला है। देश का पहला ऐसा राज्य उत्तराखंड बना है जिसने ये यूसीसी बनाया है, इसको लागू किया है और अब इसके फाइनल नियमावली को धरातल पर उतारने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ऐसे में ऐसी स्थिति में जो अब ये तैयार किया गया है, इसको जब धरातल पर उतारा जाएगा तो देखना होगा किस तरह की प्रतिक्रिया समाज के, किस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो समाज के अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग जो सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनकी तरफ से आएगी। और ये भी देखना होगा कि इसके तहत जो प्रावधान किए गए हैं उनका किस तरीके से समाज पर असर पड़ने वाला है और किस तरह
जब इसको लागू किया जाएगा तो उसके परिणाम सामने आएंगे। बिल्कुल, मैं लौटूंगी सोनू अगली खबर पे, आपसे जानकारी लेंगे तो बेहतर परिणाम इसके सामने आ सकते हैं। नियमावली का जो ड्राफ्ट है वो सीएम को सौंप दिया गया है, अब जल्द ही यूसीसी उत्तराखंड में हम लागू होता हुआ देख सकते हैं।